बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारे वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से छोले के पुलाव। अभी किस तरीके से बनती है, आज इसको ट्राई करने के लिए हमारे साथ रहिए। जी, तो जो हमारी आज की रेसिपी है जो हम बनाने जा रहे हैं, आज चने के चावल के पुलाव बनाने जा रहे हैं, मसाले वाले स्पाइसी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जो आज हम पुलाव बना रहे हैं, वैसे तो आप बहुत तरह के पुलाव खाते हैं, चिकन के और क्या कहते हैं बीफ के, और बहुत तरह के पुलाव बनते हैं, मैंने आपको अपने पेज पे बनाने भी सिखाए हैं, लेकिन आज मैं आपको चने के पुलाव बनाना सिखाऊंगी और ये है स्पाइसी पुलाव। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अज्जा आप देख लीजिए, मेरे पास है, ये है मेरे पास चने, और इसको मैंने पहले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इनको मैंने बॉईल कर लिया है, ठीक है। और उनको बॉईल करने के बाद मैंने इनको रख लिया है और ये जो है अच्छे से बॉईल हो गए। अब इसके लिए हमें चाहिए चावल, और ये मेरे पास है 750 ग्राम, अच्छा 250 ग्राम मेरे पास चने थे और 750 ग्राम मेरे पास है राइस। इसके साथ इसमें जाएगी 2 अदद टमाटर क्यूब्स में, 2 अदद प्याज स्लाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 खाने के चम्मचे, साथ में मेरे पास है ऑल स्पाइस गर्म मसाले, मेरे पास है बदियान के फूल, 2 अदद मेरे पास है बड़ी इलायची, 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून है इसमें काला ज़ीरा, लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची, सारे गर्म मसाले हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए 1/2 कप दही। इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच है रेड चिली पाउडर, लेकिन आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, यह है सौंफ, इसको मैंने जो है पीस लिया है 2 खाने के चम्मच। इसके साथ ये है 3 अदद मेरे पास तेज़पत्ते हैं, हरी मिर्चें हैं, और ये मैं डालूँगी 2 क्यूब्स में डालूँगी चिकन क्यूब के। सबसे पहले मैं घी में ऐड करूँगी प्याज, प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी कि हम दम जब देंगे तो हम जब इसमें ऐड करेंगे। मैं थोड़ी सी प्याज निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाले, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको आप फ्राई कर लें। टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर लें, इनको हम गर्म कर लेते हैं। हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बाकी हम इसमें ऐड कर रहे हैं स्पाइस, जितने भी स्पाइस मैंने आपको दिखाए थे वो सब कुछ ऐड कर दिया इसमें। हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप थोड़ा कुक कर लें। अब मैं इसमें छोले ऐड करूंगी, जो एक हिस्सा हमारा कुक नहीं हुआ है हम उसको भी कुक कर लेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी दही, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और बाद में हम राइस में भी ऐड कर देंगे, इसको हम भून लेंगे दही के साथ। मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन क्यूब्स, चला लें इसको। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी राइस, इसको चला लें आप। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 3 ग्लास पानी, इसको हम कुक करने के लिए रख देंगे।
फिर चार ग्लास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। चावल के मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर दें। इसको हम कुक करने के लिए रख देंगे। मैं इसमें भी नमक ऐड कर रही हूँ जो हमने पहले डाला था, लेकिन अब राइस के साथ भी हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं और अब इसको कुक कर लेंगे। ये देखें हमारा चाय कुक हो रही है। ठीक है, इसको हम मज़ीद पकाएंगे। हम कवर करके मज़ीद पकाएंगे। अच्छा देखिए, हमारे चावलों का एक हिस्सा रहता है तो इसमें मैं ऐड करूँगी फूड कलर। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई की हुई प्याज और इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। जी तो अब हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। ये रेडी है। जी तो देख लीजिए, हमारी जो आज की रेसिपी थी जो हमने बनाए हैं छोले के पुलाव, बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसी पुलाव, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने फ्राई की भी प्याज को ऐड किया है। इसके साथ ये देखिए, मैंने इसके साथ रेड जो है चटनी बनाई है, जो गोल वाली मिर्ची होती हैं साबुत, उसको आपने पीस लेना है लहसुन के साथ और आपने इसको बारीक पीस लेना और चटनी तैयार हो जाएगी हमारी। इसके साथ मैंने दही का रायता बनाया है, इसको इसके अंदर मैंने प्याज ऐड किए, तो आप इसके साथ इसको सर्व कीजिएगा और आप इसके अंदर पिसी हुई जो है पुदीना और धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना के इस रायते में ऐड कीजिएगा। इसके साथ अगर आप ये दोनों चीज़ें सर्व करेंगे तो आपके जो खाना है या आपकी डिश है ये बहुत ही मुनफरद और मज़े की हो जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मैं कमेंट सेशन में आपके जवाब की इंतज़ार करूँगी। इसके साथ आप इस रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।